दोस्तों कोई ऐसा ज़रूरत आ गया है जिसमें जो है आपको आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ गई है, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर इसे हम पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो दोस्तों ये किस प्रकार से आप जो है घर बैठे बना पाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और सही दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको जल्द से जल्द बनवानी है तो ये भी आप किस प्रकार से बनवा पाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि हमने ओपन कर रखा है क्रोम ब्राउज़र को। और ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पे आपको टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in और एंटर लगा देना है। जैसे ही आप एंटर लगाएंगे तो आपके सामने RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे फाइनली RTPS का वेबसाइट ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करके और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं लोक सेवाएं, इस पर क्लिक करना है। और साथ ही माउस को स्क्रॉल कराते हुए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सबसे नीचे गृह विभाग, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। और साथ ही दोस्तों इसे ही हम करेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कि इंग्लिश इसका लैंग्वेज है। तो चलिए हम आचरण प्रमाण पत्र पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही आचरण प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल बारीकी से आपको यहाँ पे एक एक डाटा को फिल करना है। ध्यान रहे यहाँ पे एक भी डाटा आपको गलती नहीं करनी है, अगर आप एक भी गलती करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ये एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र जो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ से लिंक में क्या आप स्त्री पुरुष का बनाना चाहते हैं वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। अभिवादन पे क्लिक करके श्री को सेलेक्ट करते हैं, साथ ही नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब जिन भी व्यक्तियों का यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र आप बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम राम कुमार है तो यहाँ पे आप राम और कुमार जैसे ही लिख के स्पेस लगाएंगे इस साइड ऑटोमेटिक जो है हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हिंदी में आपको नाम टाइप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप इस साइड इंग्लिश में नाम टाइप कराते चलेंगे ऑटोमेटिक इस साइड जो है हिंदी में होता चलेगा, बस आपको स्पेस बार दबाना है। इसके बाद बोला जा रहा है नेम ऑफ फादर, तो जो भी एप्लीकेंट है उनके पिता का जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है, ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। नेम ऑफ मदर, माता का नाम लिखेंगे जो भी एप्लीकेंट है उनके माता का नाम। साथ ही अगर मान लीजिए किसी स्त्री का अगर आप बना रहे हैं और वो शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड यानी कि पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, आवेदक का मोबाइल संख्या यानी कि यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि उनका करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे ही बनके तैयार होगा उनको मैसेज के द्वारा अलर्ट दे दिया जाएगा। साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पे देख पा रहे हैं मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपको डाल देना है। इससे ये बेनिफिट होना है कि जैसे ही बनके तैयार होगा तो ईमेल पे PDF के रूप में जो है भेज दिया जाता है। इसके बाद राज्य यानी कि यहाँ पे जो अस्थाई पता आप देख पा रहे हैं राज्य ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। ज़िला पे क्लिक करा करके आप अपना ज़िला चूज करेंगे कि किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं अनुमंडल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अनुमंडल चूज कर लेना है कि किस अनुमंडल के अंदर आप आते हैं। और साथ ही यहाँ पे प्रखंड चूज करेंगे कि कौन से प्रखंड के अंदर एप्लीकेंट हैं, तो वो प्रखंड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। साथ ही एप्लीकेंट अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। साथ ही वो अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक इस साइड हो जाएगा। वार्ड संख्या जो भी है वो वार्ड संख्या यहाँ पे डालना है, अगर वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वार्ड संख्या आपको डालना ही होगा। इसके बाद पिन कोड यहाँ पे डालिए और यहाँ पे ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो सेलेक्ट करिए, और ग्राम पंचायत को भी यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है कि किस पंचायत से जो है आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद वर्तमान पता जो देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अस्थाई पता जो आप यहाँ पे डाले हैं अगर यही आपका वर्तमान पता भी है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो नॉर्मली ऊपर के जैसे आप क्लिक करा दीजिए, ऊपर में जो भी डाटा आप डालेंगे ऑटोमेटिक नीचे में फिल हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करिए, अब यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो डालना है आपको, और आवेदक का फ़ोटो जो होगा वो 30 KB से ऊपर का होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद पेशा प्रोफेशन पे क्लिक करा करके अगर आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप सरकारी सेवा से हैं, निजी सेवा या फिर व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य जो भी हैं आप यहां से नॉर्मली सेलेक्ट कर लें।
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है आवेदन का उद्देश्य क्या है, यानी कि पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, किस कारण से आप जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो वो जो है यहाँ पे पर्पस यानी कि उद्देश्य आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है पासपोर्ट हेतु आवेदन, अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कराएंगे। सशस्त्र लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और भी यहाँ पे जैसे कि लाइसेंस वगैरह पेट्रोल पंप गैस एजेंसी का लेना है तो यहाँ पे क्लिक कराइए, या फिर ठेका पे काम ले रहे हैं तो नॉर्मली यहाँ पे जो देख पा रहे हैं विभिन्न सरकारी विभागों, इस पर क्लिक कराएंगे। बैंक अथवा सरकारी संस्थाओं से अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो इस पर क्लिक कराइए। अगर आपको जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सरकारी सेवा में अस्थाई अनुबंध के आधार पर नौकरी, यानी कि नौकरी के पर्पज़ से आप लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कराइए। साथ ही यहाँ पे जो देख पा रहे हैं किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ संस्था में ऐसे व्यक्ति के पदारक होने पर सरकारी सहायता या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कराइए। अगर आप दोस्तों जैसे कि प्राइवेट कंपनियों में किसी में काम कर रहे हैं आप, तो नॉर्मली नीचे जो देख पा रहे हैं अन्य कोई, तो इस पर क्लिक कराइए और लिख दीजिए प्राइवेट कंपनी में काम करने हेतु। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करिए, अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि डोमिसाइल डिटेल्स आपको डालना है पिछले 2 वर्षों का, यानी कि 2 वर्ष से आप कहाँ रह रहे हैं उसका पूरा पता यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे अस्थाई पता या फिर वर्तमान या फिर पिछला आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, और यहाँ से जिला थाना पता पूरा डालना है, महीने से किस वर्ष से किस महीने तक किस वर्ष तक, यानी कि कुल मिला के 2 साल का यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करिए और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा दीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो आपको सेलेक्ट करना है ना पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण, यहाँ पे किस महीने से, तो जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे नवंबर चल रहा है तो नवंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, नवंबर 2021 से लेकर के और यहाँ पे नवंबर 2023 तक, इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे काइंडली चूज महीने तक कह रहा है फिर से, तो ओके कराते हैं। और यहाँ से हम जैसे कि थोड़ा पीछे चले जाते हैं, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक करा लेते हैं, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट पे क्लिक कराएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 2 साल का यहाँ पे डाटा आ चुका है, जो कि 2 साल से हम इस स्थान पे रह रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम डाटा डालेंगे अपने अकॉर्डिंग। एड्रेस पूरा सही सही डालिए और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कराइए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कराएंगे यहाँ से आपको जो है आधार कार्ड मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करते ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कराएंगे। ध्यान रखेंगे कि आधार कार्ड JPG फाइल में होना चाहिए या फिर PDF फाइल में, और 2 MB से नीचे का होना चाहिए। और यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करिए, और जो रिसिप्ट आपके सामने जनरेट होगा वो रिसिप्ट लेकर के आपको जो भी निकट का थाना है, जो कि यहाँ पर थाना जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, उस थाने में जा कर के आपको विजिट करना है। वहाँ पे बताना है कि सर हम करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए थे तो मेरा अप्रूवल चाहिए, तो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट का अप्रूवल कर दीजिए। तो वहाँ पे जो है ना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके छोड़ते हैं तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी हो जाता है, तो ध्यान रहे अप्लाई करने के बाद आपको अपने थाने पर ज़रूर विजिट करना है, यानी कि जाना है। और साथ दोस्तों अगर आप नहीं भी जाते हैं तो अप्लाई करने के 4 से 5 दिन के बाद आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपको यहां आकर के वेरिफिकेशन कराना है थाने पे, तो आपको जाना पड़ेगा, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर यहां पे आप देंगे उस पे जो है आपको फ़ोन किया जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप जो है थाने से अप्रूवल कराइए, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बन जाएगा। और सही दोस्तों जल्द से जल्द अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो रिसिप्ट जैसे ही निकलता है, निकलने के 24 घंटे बाद आप जो है थाने पे जा कर के वहाँ पे वेरिफिकेशन करा सकते हैं, और आपका जल्द से जल्द अचिन्ह प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों इसके आगे का कोई ज़्यादा प्रोसेस है नहीं, बस डाटा डालना ही यहाँ पर मेन था, आगे का काम आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बस सिर्फ आधार कार्ड ही अपलोड करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि आ रहा है अप्लाई करने से रिलेटेड तो कमेंट तो भैया ज़रूर करिए।